आए कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम्ब ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। इतना मैं 4-10 लाइन जो पढ़ा हूं इसका भाव बता देता हूं, सब भैया ध्यान से सुने। बहुत ही वीर रस की कविता है। कवि कह रहा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही कहलाती है। ये बात सही है, जब कोई विपत्ति आएगी, कोई समस्या आएगी, जो कायर लोग होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, वही विचलित हो जाते हैं। घर पर कोई संकट आ गया तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जो सूरमा होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, वो ऐसे छोटे मोटे घटनाओं से, विपत्ति से, वो कभी नहीं घबराते हैं, वो कभी नहीं घबराते हैं और एक भी क्षण के लिए अपना धीरज नहीं खोते हैं। अब जैसे इस कोरोना काल में जो बहादुर लोग हो नहीं घबराएंगे, कि कोई पॉजिटिव हो गया, किसी के घर में कोई बीमार हो गया, वो धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं, धीरे धीरे सब स्थिति सामान्य हो जाती है। लेकिन जो कमजोर लोग के हैं वो घबरा जाते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो तमाम प्रकार के अवरोध हैं, व्यवधान हैं, उनको गले लगाते हुए, अर्थात उनको अपनाते हुए और कांटों में राह बनाते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ये इसका भाव है भैया, ये बहुत ही सुंदर ढंग से करता है।